हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जीडीसी। आज हम बात करने वाले हैं फिफ्थ सेमेस्टर के आपके इंडस्ट्रियल फार्मेसी के बारे में। इंडस्ट्रियल फार्मेसी में आपका किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन सी यूनिट आपकी इंपॉर्टेंट होती है, किस टाइप से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही फ्लुएंटली पूछे गए हैं, तो उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। कैसे पैटर्न को लिखना चाहिए, किस टाइप से हम सारी चीज़ों को समझेंगे। चलिए तो बने रहें मेरे साथ, लास्ट तक वीडियो को देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मोर एंड मोर वीडियो आप देख पाएँ। समझिएगा, यहाँ पर सबसे पहले बी फार्मा फिफ्थ सेम के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम यूनिट फर्स्ट और यूनिट फिफ्थ को क्या करेंगे, आज कवर करेंगे। यानी कि इन द सेंस फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक की, यानी कि जितनी भी आपकी यूनिट्स हैं उनको हम कवर करेंगे, किस यूनिट से कौन से क्वेश्चंस बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बने रहें मेरे साथ। यहाँ पर हम बात करेंगे कि कौन कौन से आपके टॉपिक्स हैं जो बहुत ही आपके फ्लुएंटली पूछे जाते हैं, कहाँ पर आपके इंडस्ट्रियल फार्मेसी में। तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी में बहुत सारे फ्लुएंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट कर देते हैं। ये आपका दिया हुआ है सिलेबस, इसमें देख लीजिएगा। फर्स्ट देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इंडस्ट्रियल फार्मेसी जिसका बीपी कोड है क्या 502 क्या है आपका बीपी कोड है। यूनिट फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जी हाँ, यहाँ पर याद रखिएगा, प्री फॉर्मुलेशन स्टडी, यानी कि किसी भी चीज को बनाने से पहले की जो स्टडी होती है उसको फॉर्मुलेट करने से पहले, यहाँ पर समझते हैं प्री का मतलब क्या होता है, पहले की बात हो रही है, और फॉर्मुलेशन यानी कि उसको बनाने से पहले उसकी जो स्टडी करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्री फॉर्मुलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं प्री फॉर्मुलेशन स्टडी से, जिसमें आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है आपका क्या, क्रिस्टल एंड एमोर्फस क्या होता है, पार्टिकल साइज क्या होता है, शेप क्या होता है, पीएच क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका पार्टीशन कोफिशियंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इनडायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो प्री फॉर्मुलेशन आपका 101% मतलब चांसेस होते हैं क्वेश्चन बनने के, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है या फिर आपका इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। तो आप तो सिर्फ उसको एक क्वेश्चन समझ के पढ़िएगा, यानी कि प्री फॉर्मुलेशन पढ़ना है जिसमें सारे पॉइंट्स आपको कवर करने हैं, पीएच क्या होता है, एमोर्फस क्या होता है, क्रिस्टल क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है, जिससे आपका एक क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से क्या हो जाएगा, 101% रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर सेकंड यूनिट की अगर मैं बात करूँ, सेकंड यूनिट की मैं बात करूँ, यहाँ पर देखिएगा, सेकंड यूनिट को समझने से पहले बहुत सारे क्वेश्चंस आपके किससे बनते हैं, आपके BCS क्लासिफिकेशन से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। BCS क्लासिफिकेशन में आपके 4 कैटेगरीज होती हैं, जिसमें आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी, सॉल्युबिलिटी की बात होती है और परमेबिलिटी की बात होती है। तो लो परमेबिलिटी, हाई सॉल्युबिलिटी, हाई सॉल्युबिलिटी, हाई परमेबिलिटी, दैट मीन यहाँ पर बात होती है पर्टिकुलर ड्रग की सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी की बात। तो उसके आधार पर आपका क्या है, एक BCG क्लासिफिकेशन होता है, जिससे भी क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद यूनिट सेकंड की मैं बात करूं तो टैबलेट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। टैबलेट में याद रखिएगा, यहाँ पर आपका इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर टैबलेट का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि वेट ग्रेनुलेशन क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होती है, इस टाइप से क्वेश्चंस आपके यहाँ पर बनते हैं। उसके बाद टैबलेट कोटिंग क्या होती है, टैबलेट कोटिंग आपका चीज़ों को जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको सिस्टमेटिकली पढ़िए और पूरा टॉपिक वाइज पढ़िए। आप क्या करते हैं, पॉइंट वाइज पढ़ लेते हैं कि टैबलेट में आपका जैसे आपका बैड ग्रेनुलेशन क्या होता है और आपका ड्राई ग्रेनुलेशन क्या होता है, इस टाइप से आपको नहीं पढ़ना है। आप पूरे पॉइंट को प्रॉपर तरीके से पढ़िए, मतलब टैबलेट्स क्या होती है, कितने टाइप की होती है,
शेप क्या होता है, साइज क्या होता है, उसका थिकनेस कितनी होती है, कौन कौन से कंपाउंड्स यूज किए जाते हैं। तो एक टॉपिक वाइज जब आप किसी चीज को पढ़ते हैं तो आपको इजी हो जाता है लिखने में भी, अगर वो डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ लेंगे कि व्हाट इज या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ टैबलेट विथ आपका वेट ग्रेनुलेशन प्रोसेस, तो आपको उसमें मेंशन करने में लिखने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस बनने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। टैबलेट कोटिंग में आपके टाइप्स ऑफ टैबलेट पूछ लेते हैं या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कोटिंग क्या होती है, व्हाट इज कोटिंग, उसके टाइप्स बताइए, उसका स्पेसिफिक आपसे कोई टाइप पूछ सकते हैं तो एंट्रिक कोटेड क्या होता है, इस टाइप से क्वेश्चंस बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो यहां पर प्रीफॉर्मुलेशन आपका इंपॉर्टेंट हो गया और BCS क्लासिफिकेशन आपका यहां पर इंपॉर्टेंट हो गया। टैबलेट में आपका इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, मतलब टैबलेट क्या होती है, एक्सिपिएंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और टैबलेट कोटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर सेकंड यूनिट पे आपका एक काफी अच्छा क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। उसके बाद जो सी पॉइंट दिया हुआ है क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका जनरली शॉर्ट नोट में पूछा जाता है और इसको 101% आपको प्रिपेयर करना है। शॉर्ट नोट में जनरली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट क्या होता है, प्रोसेस क्या होती है, फिनिश प्रोडक्ट क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है किससे, यूनिट फर्स्ट से और आपकी यूनिट सेकेंड से। अब आप ये बोलेंगे कि सर इम्पॉर्टेंट तो पूरा ही है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो भी आपका सिलेबस में दिया हुआ है सारी ही चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। जो भी आपको क्वेश्चन बताए जाते हैं वो उसका क्या होता है, एक रीज़न होता है, मींस प्रायोरिटी ऑर्डर होती है। प्रिडिक्शन कभी नहीं होता, किसी भी चीज़ का हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। यहाँ पर प्रायोरिटी ऑर्डर होती है कि यहाँ पर फर्स्ट यूनिट से आपका प्री फॉर्मुलेशन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, किसके कंपैरिजन में, आपके दूसरे किसी भी पॉइंट के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका प्री फॉर्मुलेशन ही आएगा, बट हाँ अगर क्वेश्चन बनेगा तो आपका प्रीफॉर्मुलेशन ही बनेगा, ये श्योरिटी होती है। तो प्रिडिक्शन कभी नहीं होता है, प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, वो प्रायोरिटी के आधार पे क्वेश्चंस डिसाइड किए जाते हैं, निकाले जाते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद टैबलेट के बाद क्वेश्चन बनता है कहाँ से, लिक्विड ओरल फॉर्मुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर इवैल्यूएशन पूछा जा सकता है, यहाँ पर आपसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पूछी जा सकती है। तो आपको सिर्फ टॉपिक वाइज चीज़ों को पढ़ना है, यानी कि लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या होते हैं, इवैल्यूएशन पैरामीटर्स क्या होते हैं, आपका पैकेजिंग मटेरियल क्या यूज होता है, स्टोरेज कंडीशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको एक टॉपिक वाइज पढ़ना है। अगर आपका क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप उसको अच्छे से डिफाइन भी कर पाएंगे क्योंकि आपने उसको टॉपिक वाइज पढ़ा है। सिस्टमेटिकली पढ़ने का यही फायदा होता है। अगर आप पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, आपने पढ़ लिया सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ओरल डोजेस फॉर्म, आपने पढ़ लिया सिर्फ लिक्विड डोजेस फॉर्म का क्या, इवैल्यूएशन पैरामीटर, तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपका मिस हो सकता है। तो पूरा एक टॉपिक वाइज पढ़िए तो यहाँ से आपका जनरली क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं। यहाँ से एलेक्सर पूछ सकते हैं, सस्पेंशन और इमल्सन पूछ सकते हैं, पैकेजिंग पूछ सकते हैं, फिलिंग पूछ सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहे हैं और उस टाइम पे क्या उनके माइंड में क्लिक करता है। तो ये आपका हो गया यहाँ पर फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट की बात। अब आ जाते हैं थर्ड यूनिट में। थर्ड यूनिट बहुत सिंपल सा है, एक क्वेश्चन 101% बनता है। आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, यहाँ पर आपको सिर्फ पढ़ना है क्या, कैप्सूल। कैप्सूल दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और एक होता है आपका सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। तो आप सिर्फ एक टॉपिक को समझ के चलिएगा कि थर्ड यूनिट में सिर्फ मुझे प्रॉपर तरीके से क्या करना है, कैप्सूल को कवर करना है। मींस आपके 99% चांसेस होते हैं कैप्सूल से क्वेश्चंस बनने के। बाकी थोड़ा सा आप क्या कर सकते हैं, पैलेट्स का ओवरव्यू पढ़ सकते हैं, यानी कि ये आपका जनरली शॉर्ट नोट में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो शॉर्ट नोट के अकॉर्डिंग इसको पढ़ना है और पूरे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग किसको पढ़ना है, आपको कैप्सूल्स को पढ़ना है। इससे आपको हेल्प हो जाएगी कि किस क्वेश्चन को कितना पढ़ना है, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा इस वीडियो से। क्लियर हो गया, आगे देख लेते हैं। फोर्थ यूनिट की अगर मैं बात करूं तो पैरेंटल प्रोडक्ट एक ना एक क्वेश्चन 101% बनता ही बनता है पैरेंटल प्रोडक्ट से। और एक चीज विशेष याद रखिएगा, यहां पर
पेरेंट्रल प्रोडक्ट से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपके ऑप्थैल्मिक प्रिपरेशन से। किससे पूछा जाता है? ऑप्थैल्मिक प्रिपरेशन से। जी हाँ, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो यानी कि आपको पेरेंट्रल पूरा पढ़ना है और उसमें सबसे ज्यादा आपको क्या पढ़ना है? ऑप्थैल्मिक प्रिपरेशन पढ़नी है, यानी कि इंट्रोडक्शन, फॉर्मुलेशन, कंसिडरेशन आपका क्या होता है और आपके आई ऑइंटमेंट्स क्या होते हैं, आई लोशंस क्या होते हैं, वो कोई भी क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि आपका ऑप्थैल्मिक प्रिपरेशन क्या होती है, और पॉइंट वाइज भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको प्रॉपर तरीके से क्या करना है, यहाँ पर उसको डिफाइन करना है। मतलब ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है आपका इंडस्ट्रियल फार्मेसी में कि व्हाट इज ऑप्थैल्मिक प्रिपरेशन। तो यहाँ पर आपका फोर्थ यूनिट में आपको ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ओवरव्यू करके पढ़ना है। और स्टेराइल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, याद रखिएगा, स्टेराइल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है या फिर ऑप्थैल्मिक प्रिपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर आ जाते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपका यूनिट फाइव में आपका जनरली क्या दिया हुआ है? कॉस्मेटिक दिया है, फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स दिया हुआ है, पैकेजिंग मटेरियल साइंस दिया हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो आपका एरोसोल है ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब मोस्टली क्वेश्चन में पूछा जा सकता है व्हाट इज एरोसोल्स, तो एरोसोल से बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यानी कि अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इसके बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, दैट मीन मतलब एक आपका प्रॉपर क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके साथ साथ पैकेजिंग मटेरियल साइंस की अगर मैं बात करूं, तो ये जो पैकेजिंग मटेरियल साइंस होता है, जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। यानी कि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, बट एरोसोल्स आपको अच्छे से पढ़ना है। और कॉस्मेटिक में भी आपको क्या करना है? प्रॉपर तरीके से कवर करना है। जनरली जो क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं वो किस में ज़्यादा होते हैं? आपके एरोसोल में। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। एक एक करके हम सारी चीज़ों को देख लेते हैं कि क्वेश्चंस हमारा किस टाइप के बनते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। समझिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका क्या, 2020 में ये क्वेश्चन आया था, व्हाट आर प्री फॉर्मुलेशन स्टडी, यानी कि प्री फॉर्मुलेशन स्टडी क्या होती है उसके बारे में बताइए। उसके बाद एक्सप्लेन इन डिटेल वेरियस फिजिको केमिकल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस प्री फॉर्मुलेशन, यानी कि यहाँ पर आपको एक क्राइटेरिया नहीं दिया है, स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं दिया है कि फिजिकल आपको प्रॉपर्टी बतानी है या फिर आपको केमिकल प्रॉपर्टी बतानी है। एक चीज़ विशेष ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बच्चे गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि उनको ये पता है कि प्री फॉर्मुलेशन क्या होती है। एक्चुअल में रीज़न क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर एक तो प्री फॉर्मुलेशन के बारे में पूछा गया है, दूसरा यहाँ पर पूछा है क्या आपके फिजिको केमिकल फैक्टर्स। याद रखिए, जो भी क्वेश्चन में आपका पॉइंट दिया होता है वो आपको डिफाइन करना ही करना होता है। बच्चे क्या करते हैं, उसको छोड़कर कुछ और पॉइंट डिफाइन कर देते हैं, वहाँ पर मार्क्स आपके कट हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ एक्स्ट्रा डिफाइन कर रहे हैं, जब तक क्वेश्चन में जो चीज़ दी गई है वो आपने नहीं लिखी है, तब तक वो आपकी बेनिफिशियल नहीं रहेगी, आपका स्कोर अच्छा नहीं होगा। हाँ, अगर आपने पूरे क्वेश्चन को अच्छे से डिफाइन किया है, उसके बाद आपने कोई चीज़ एक्स्ट्रा एडिशनल कोई चीज़ नोट की है उससे रिलेटेड, तब आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, क्वेश्चन पहला जो आपकी फर्स्ट यूनिट से पूछा गया था वो किस टाइप से आता है। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑप्थैल्मिक फॉर्मुलेशन, डिस्कस वेरियस एडिटिव यूज्ड इन देयर फॉर्मुलेशन। मतलब सिंपल सा है, यहाँ पर क्या पूछा है आपका, ये क्वेश्चन कहाँ से है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आया है आपके किससे, फिफ्थ यूनिट से। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन बना है ये कहाँ से आया है, फोर्थ यूनिट में आपका बना है क्या, ऑप्थैल्मिक प्रिपरेशन, जिसमें आपको बताना है क्या ऑप्थैल्मिक प्रिपरेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या होती हैं, क्या क्या एडिटिव्स यूज्ड किए जाते हैं आपके इसको फॉर्मुलेट करने के लिए, और हाउ डू यू स्टरलाइज सच फॉर्मुलेशन, और इसको कैसे स्टरलाइज किया जाता है। क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर क्वेश्चन आप नहीं समझ पाए, आपने आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया, तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अपना आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है समझिएगा, यहाँ पर
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट आर द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओरल लिक्विड, यानी कि यहाँ पर लिक्विड डोजेस फॉर्म की बात हो रही है, ओरल लिक्विड की बात हो रही है। ओरल लिक्विड में डिफरेंस है, यहाँ पर लिक्विड के आपका जो एक अंदर एक टॉपिक है उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन टॉपिक किससे है आपका, लिक्विड से। डिस्क्राइब देयर मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग, यानी कि जनरली मैन्युफैक्चरिंग या पैकेजिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं आपके, तो यहाँ पर ओरल लिक्विड के बारे में पूछा है, उसकी पैकेजिंग के बारे में और उसके मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पूछा है। तो टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या होता है। अगर आपने अच्छे से लिक्विड डोजेस फॉर्म पढ़ लिया तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब वो ओरल पूछ लें या तो आपके उसमें कोई भी टाइप पूछ लें, सस्पेंशन पूछ लें, इमल्सन पूछ लें, मोनोफिजिक पूछ लें, तो आप इजी वे में उनको बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था डिस्क्राइब वेरियस टेक्निक एम्प्लॉयड फॉर टैबलेट कोटिंग इन डिटेल। यहाँ पर क्वेश्चन बना है किससे, टैबलेट कोटिंग से, यानी कि टैबलेट कोटिंग की आपको प्रॉपर डिटेल बतानी है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं आपके टैबलेट कोटिंग के, वो आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, उसके साथ साथ उसका एडवांटेज, उसका डिसएडवांटेज और प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व्ड एंड एप्लीकेशन ऑफ ईच टेक्निक, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और उनके कौन कौन से टेक्निक्स होते हैं, एप्लीकेशंस यूज होते हैं, वो आपको सारी यहाँ पर क्या करनी है, एक्सप्लेन करनी है। मतलब क्वेश्चन डायरेक्टली किससे बना है आपका, टैबलेट कोटिंग से, जो कि टैबलेट का ही एक पार्ट है। तो टैबलेट फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ था, सेकंड पॉइंट आपका क्या दिया हुआ था, टैबलेट कोटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्या यहां पर समझिए, राइट ए, यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए डिटेल नोट ऑन पैकेजिंग मटेरियल साइंस। जो आपका क्वेश्चन दिया है ये आपका जनरली क्या दिया हुआ, एक शॉर्ट नोट की तरह दिया हुआ है। यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही पॉइंट को प्रॉपर तरीके से क्या करना है, डिटेल में डिफाइन करना है, किसको, पैकेजिंग मटेरियल साइंस को। तो पैकेजिंग मटेरियल साइंस क्या होती है, कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं, कितने टाइप की पैकिंग्स होती हैं, एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, प्रॉपर तरीके से यहाँ पर डिफाइन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था क्या, डिस्कस द इवैल्यूएशन पैरामीटर एंड ऑफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। यानी कि सिंपल सा आप एक माइंड में माइंडसेट रखिएगा कि मुझे सिर्फ कैप्सूल पढ़ना है, यानी कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल क्या होता है, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल क्या होता है, आपका हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होती है, इवैल्यूएशन पैरामीटर्स क्या होते हैं, एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के पैरामीटर्स क्या होते हैं, एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, आपको सिस्टमेटिकली उनको लिखना होता है, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डिफाइन एरोसोल्स एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम द वेरियस पार्ट ऑफ एरोसोल्स पैकेजिंग। समझिएगा, यहाँ पर एरोसोल्स के बारे में पूछा है, एरोसोल्स क्या होता है आपको प्रॉपर तरीके से डिफाइन करना है। प्लस एक चीज विशेष याद रखिएगा, यहां पर मेंशन किया है डायग्राम, यानी कि जहां पर क्वेश्चन में अगर वो आपको मेंशन करके दे दें कि डायग्राम के साथ समझाइएगा, तो वहां पर डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो आपका वर्क प्ले करता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर डायग्राम नहीं बनाएंगे तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। जहाँ पर डायग्राम नहीं पूछा है वहाँ पर अगर आप नहीं बना रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको डायग्राम बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैकेजिंग पार्ट को बताना है और वेरियस प्रोपेलेंट्स यूज इन एरोसोल्स, कौन कौन से प्रोपेलेंट्स यूज किए जाते हैं आपके, उनके बारे में यहाँ पर आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्या, शॉर्ट नोट, लास्ट जो क्वेश्चन है आपका क्या दिया है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, चार ऑप्शंस में आपका क्वेश्चन बना है। फर्स्ट दिया है मटेरियल यूज्ड फॉर पैकेजिंग, ये क्वेश्चन बनता है आपका क्या, मटेरियल यूज्ड फॉर पैकेजिंग, कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं आपके पैकेजिंग में, उसके बारे में आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। उसके बाद सनस्क्रीन प्रिपरेशन, यानी कि जो आपकी सनस्क्रीन जो होती हैं आपकी, उन प्रिपरेशंस के बारे में आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। उसके बाद आपका कंटेनर्स एंड क्लोजर्स किसके बने होते हैं,
किस मटेरियल को यूज़ करके बनाए जाते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है, आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं पूछा है आपसे कि बताइए यूजेस क्या होते हैं, मटेरियल का डिसएडवांटेज क्या होता है। जितना आपको लगता है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सफिशियंट है उतना आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। फिर पैलेटाइजेशन आपका जो प्रोसेस है ये क्या होता है, ये पैलेट का पार्ट है जो कि मैंने बताया था आपको कि शॉर्ट आउट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको प्रॉपर तरीके से डिफाइन करना है। और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो फ्लुएंटली पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे उसको समझना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर कोई सजेशन आप चाहते हैं कि कोई वीडियो है जो मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उस वीडियो का नाम मेंशन करके आप सेंड कर सकते हैं, तो मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।